आज का बिरयानी बहुत ही टेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो अब इसमें हम दे देंगे बिरयानी मसाला, बहुत ही जूसी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बनाने वाला है चिकन बिरयानी। तो आज का जो चिकन बिरयानी है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, और बहुत ही जो भी खाएगा वो वाह बनेगा, क्या बताओ दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन बिरयानी के लिए हमने जो जो सामान ले लिया है, और वो है देखो, तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है, तो देखो कितना सुंदर पीस है। और यहाँ पे मसाला के लिए अदरक, जीरा, चीनी, और यहाँ पे सूखी मिर्च, हल्दी, यहाँ पे गरम मसाला और बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे सासुमा चावल ले लिया है, यहाँ पे हमने आलू कट के रखे थे, प्याज, लहसुन और टमाटर। तो हमारा तो ये सब बिरयानी के लिए सामान ले लिया है, अब हम बटेंगे मसाला। तो दोस्तों चिकन बिरयानी के लिए सबसे अच्छा होता है देखो यहाँ पे बासमती चावल। तो दोस्तों पहले हम मसाला बांट लेते हैं। हम अलग अलग करके मसाला पीसेंगे। आप सरसुमा बांटेगा जीरा। तो दोस्तों यहाँ पे सासुमा ने सारा मसाला पीस लिया है, तो देखो। तो बिरयानी के लिए हम चावल बैठा देंगे, तो अब हम इसमें देंगे पानी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे इलाच, दालचीनी, लौंग इस पानी में छोड़ देंगे, और ये है हमारा देसी घी। तो अब हम इसमें दे देंगे बासमती राइस। तो दोस्तों यहाँ पे बिरयानी के लिए चावल तो हमारा हो गया है, अब इसे हम नवा लेंगे। दोस्तों चावल तो हमारा पकाना कॉम्प्लीट हो गया है, तो आप बिरयानी के लिए चिकन पकाएंगे। तो पहले मैं कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। तो कढ़ाई गरम होने पर हम सरसों का तेल दे देंगे। तो यहाँ पे प्याज भाजी करना हमारा हो गया है, तो अब हम आलू भाजी करेंगे। हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक। तो आलू को लाल लाल करके भाजी करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आलू लाल लाल करके भाजी करना हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम नमाएंगे।
तो दोस्तों आप हम पकाएंगे चिकन। तो चिकन के लिए पहले हम दे देंगे जीरा। अब इसमें हम दे देंगे प्याज। तो पहले तो हमने प्याज भाजी करके रखे थे, तो वो प्याज हम बाद में दे देंगे। अब इसमें साथ में देंगे लहसुन। तो अब इसमें हम दे देंगे टमाटर। तो ये सब अच्छे से भाजी करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें हम दे देंगे मसाला, जो यहाँ पे हमने पीस के रखे थे। तो पहले हम सूखी मिर्च, जीरा और अदरक, थोड़ी सी नमक, तो इसमें हम थोड़ी सी नमक और हल्दी पाउडर भी दे देंगे। इस मसाला को अच्छे से कसना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ी सी पानी दे देंगे। दोस्तों मसाला को 6 से 7 मिनट मसाला कसना पड़ेगा, तो अच्छे से मसाला कस जाएगा। अब हम इसमें दे देंगे चिकन। चिकन को हमने बड़ा बड़ा पीस करके रखे हैं, क्योंकि बिरयानी में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चिकन का पीस हमने बड़ा बड़ा रखे हैं, क्योंकि बिरयानी में चिकन का पीस बहुत ही अच्छा लगता है। तो चिकन को अच्छे से पकाने के लिए थोड़ी सी पानी देना पड़ेगा, तो इसमें हम थोड़ी सी पानी दे देंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को भाजी करके रखे थे दोस्तों, तो इसमें हम दे देंगे। तो इसका जो पानी है दोस्तों पूरी तरह से सूखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन पकाना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे हम नमक लेंगे। यहाँ पे बासमती राइस तो हमने ले लिया है, तो इसमें हम मिक्स करेंगे चिकन। तो दोस्तों ये प्याज भाजी करके रखे थे, तो इसमें ऊपर हम दे देंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी दे देंगे चीनी मिठाई के लिए। तो
इसे हम अच्छे से ढक देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गैस को लो फ्लेम में देना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो बिरयानी है वो जो कोई भी खाएगा वो वाव कहेगा। अब इससे तो बहुत ही खुशबू आ रहा है, क्या बताओ। तो आज का बिरयानी बहुत ही टेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो अब इसमें हम दे देंगे बिरयानी मसाला। यहाँ पे हमने दे दिया है अंडे। तो अंडे तो पहले हमने उबाल के रखे थे। तो दोस्तों हमारा तो चिकन बिरयानी बनाना कॉम्प्लीट हो गया है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं। तो देखो कितना गर्म है। वाओ कितनी अच्छी है। तो दोस्तों चिकन बिरयानी तो टेस्ट करने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड है, तो चलो जल्दी से रहा नहीं जा रहा है, खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पका है। तो थोड़ा सा मैं आलू और चावल के साथ खाती हूँ और थोड़ी सी चिकन। बहुत ही जूसी है। आज का रेसिपी ब्लॉग तो यही तक ही था दोस्तों। तो मिलते हैं नई रेसिपी ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और लाइक करना मत भूलना। तो आज का वीडियो यहीं तक ही था दोस्तों।